इधर भी देखें वो छोटी सी लगी हुई है, इतनी प्यारी सी। सो ये के नेचर है ये। वो कहते इतनी बारिश हुई, कल रात को इतनी बारिश हुई, सुबह इतनी बारिश हुई, लेकिन यहाँ 5 सीढ़ियाँ 6 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ो तो ऊपर सीना आना शुरू हो जाता है। ये इतनी गर्मी है यार, अब गर्मी भी लगे थोड़ी 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 सी और सर्दी भी थोड़ी थोड़ी सी लगी। हमारी लैंग्वेज में इनको तोरियाँ कहा जाता है, और आपकी जुबान में क्या कहा जाता है वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Assalamualaikum guys, here's a new vlog for you. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another new vlog. जी हाँ, आज सुबह मॉर्निंग हुई है, 7:40 आई थिंक सो हो गए हैं, सिर्फ 10 मिनट रह गए कॉलेज जाने में। मैं अभी तैयार भी नहीं हुआ, ये यूनिफॉर्म यहाँ रखा है और अब तैयार होना है। तो जल्दी से तैयार होते हैं और फिर चलते हैं कॉलेज की जाने वाली। फिर मुझे फ्लू लगा, लेकिन ये है कि एलर्जी वाला फ्लू है तो कोई बात नहीं। सो ये कि हम जल्दी से रेडी होते हैं और कॉलेज जाते हैं, इससे पहले कि वो लेट हो जाएँ और कॉलेज से वापस आके फिर व्लॉग बनाते हैं। और उम्मीद है आपने कल व्लॉग देखा होगा फादर्स लव का, जब मैं शादी पे गया वहाँ पर मुझे वो फैमिली मिली, उसकी कितनी मतलब मज़े की स्टोरी मुझे लगी कि वो सब कुछ आप उस व्लॉग में देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखिए, और मेरे सारे व्लॉग पीछे देखें, बहुत मज़े के। अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। So it's finally back to walk. गर्मी इंतहा किस्म की है और मैं अभी भी कर रहा हूँ, और ये फर्श पंखे की हवा लगवा ये कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको सप्लाई नहीं कर सकता। और अभी ना यहाँ पर देखें खुश हो चुकी थी, सो ये कि मैंने उसको भी कंटेन बनाया, लेकिन हम ये कि नहाना है। आज मैं यहाँ से 50 से 60 तक चला गया होगा टेम्परेचर के पूरे जगह का, पता नहीं क्या होता है। और आप लोगों ने अभी से ब्लॉग देखा है, यानी जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर मेरे ब्लॉग को देखें और सब्सक्राइब लाइक मस्ट करें। सो ये कि गर्मी की अपडेट देनी थी, अपडेट देनी थी कि आपका भाई वापस कॉलेज से आ चुका है। टाइम भी आप लोग देख सकते हैं, आई थिंक सो 2:30 छुट्टी होती है 1:30 पे, और 10 मिनट में मैं घर पहुँचता हूँ। फिर भी पेमेंट करने वाला भी करवाया। सो ये कि नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, फ्रेश फ्रेश होकर खाना वाना और ब्लॉग कंटिन्यू। सो गाइस, गर्मी यहाँ बहुत है इंतहा किस्म की। मैं यहाँ साथ वाला घर जो है हमारा, एक और घर है इधर साथ वहाँ, ये है हमारा घर एक और, और यहाँ मैं भी सोने आया था, वो उधर अंदर लेटा हुआ था। सो ये कि अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको उनको घर दिखाता हूँ। सो ये कि यहाँ से अब ऊपर चलते हैं, आप लोगों को मैं बताऊँगा कि हमारे घर जो है वो सब्ज़ी जो लग चुकी है, वो जो तोरियाँ वगैरह होती हैं ना, ये हमारे इधर ऊपर का है घर। सो यहाँ नीचे भी ये वो जो बेरा टाइप फर्श वगैरह कुछ नहीं पड़ा। सो ये कि इसको आराम से खोलते हैं, सारे उठ ना जाएँ, क्योंकि मेरे घर में ना सब तकरीबन जो है ना वो सोए हुए हैं। सो हमने इसको खोल लिया, और ये रहा वो जगह जहाँ पर वो तोरी वगैरह लगी है। सो ये कि नेचर है ये। सो गाइस, इस पे जो है वो लगता है वो तोड़ियाँ टाइप, में आपको कोई दिखाता हूँ। यहाँ पर इंदर फूल भी लगे हैं, और उस फूल में से फिर तोड़ियाँ निकलती हैं, और बादल जो हैं वो आ चुके हैं। और ये हमारा घर की दूसरी साइड है, जहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारे घर के पड़ोसी हैं। और ये एक लगी हुई है तोड़ी इधर, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। हाय हाय, मुझे एलर्जी भी है इन दरख्तों से बहुत ज़्यादा। ये मतलब ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये इस टाइप के फल लगते हैं, और ये थोड़ा ना फूल जाते हैं, जैसे बैलून को चढ़ाना पड़ता है इसी तरह ये थोड़े मोटे हो जाते हैं। सो ये कि फिर आप लोग पका कर खा सकते हो, लेकिन मैंने मुझे ये नहीं पसंद। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, सच्ची बात कहनी चाहिए, सच के अलावा नहीं कुछ कहना चाहिए, मुझे नहीं इतना पसंद। इधर भी देखें वो छोटी सी लगी हुई है, इतनी प्यारी सी। सो ये कि नेचर है ये, और घर में बंदा लगाए और घर का फल खाए। सो ये क्या हम लोग खा सकते हैं। इसके अलावा हबस इतनी ज़्यादा है, तपश इतनी ज़्यादा है। सो ये कि इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये कि अब थोड़ा मौसम जो है वो थोड़ा मतलब डूब गई है और ठंड है, और सब तरफ अभी तक छाँव हुई हुई, ऐसा लग रहा है कि शाम पड़ी है, लेकिन शाम नहीं है ये। और कुछ मेहमान भी आए हुए हैं हमारे घर। सो ये कि इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, और मैं वो ऊपर उस वाले छत पे व्लॉग बनाता होता हूँ, जो मैं स्टार्ट इंट्रो वगैरह लेता हूँ। वो सामने बिले लगी हुई हैं जिस पर कद्दू लगेंगे, लेकिन
बाकी का व्लॉग मैं वहाँ बनाऊँगा, लेकिन आज के व्लॉग में मैंने नेचर को लिया, वहाँ का फल दिखाए, कैसी डोरियाँ होती हैं, और इसको अब बंद करते हैं आराम से फिर से। सो ये क्या नीचे चलती है, इधर ऊपर इतनी गर्मी है, ये थोड़ा डबल स्टोरी है, इसीलिए यहाँ पर जो है ठंड है और यहाँ पर लेटने जाता है। सो ये कि अब मैं नीचे आ चुका हूँ और व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे शाम के टाइम, अगर कोई हवा जवा चली या बादल वगैरह आए, बारिश हुई, सो व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो ये के व्लॉग एंड तक मस्त देखिएगा, कुछ ये व्लॉग भी जाके देखिएगा, मज़े के व्लॉग्स हैं वो भी, और मेरे शॉर्ट्स को भी देखें जो कि मैं टिकटॉक्स वगैरह बनाता हूँ। सो ये कि मज़ा आएगा आप लोगों को देखते हुए। सो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। 2000 years later। सो गाइस टाइम हो रहा है 4 का, और ये कि मैं छत पे आया हूँ, फिर नीचे जाऊँगा, फिर छत पे आऊँगा और नेक्स्ट क्लिप बनाऊँगा। सो ये कि आप लोगों को मैंने वो सब्ज़ी दिखाई जो हमारे घर लगी हुई है, उस सब्ज़ी का नाम है आई थिंक सो वो मैंने थंबनेल पे लिख दिया था नाम और टाइटल में, मुझे भूल गया, अभी जहन से निकल गया, इंग्लिश में मैंने नाम है हु ढूंढ के मैंने लगाया। हमारी लैंग्वेज में इनको तोरियां कहा जाता है, और आपकी जुबान में क्या कहा जाता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो ये कि ये सब्ज़ी हमारे घर लग चुकी है, जिस पर मैंने कहा आज इसी पर ही वीडियो बना लेते हैं, इसी पर ब्लॉग बना लेते हैं। सो ये कि मैं कॉन्टेंट ढूंढता रहता हूँ रोज़ का, कि घर में अच्छा सा कॉन्टेंट मिल जाए, काफ़ी कॉन्टेंट है यार, जगह जगह कॉन्टेंट है, ब्लॉग बनाओ अपलोड करो यार, और इसी तरह मैं भी। सो ये कि ये इनको हमारे यहाँ तोरियाँ कहा जाता है, और भी पता नहीं क्या क्या, लोबिया नहीं, वो तो दाल होती है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो, और आपको मैंने तोरियाँ बताई और आपको भी पता चल गया। सो ये कि अब इनका सालन बनाया जाएगा, लेकिन मैं नहीं खाता, जैसा कि मैंने आपको बताया था मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं खाता। कभी ज़िंदगी में मैंने एक बार, मतलब एक बार भी नहीं खाया, आई थिंक उसमें मैंने कभी भी नहीं खाई है। सो ये कि आप लोग भी बताओ, आप इनको इसके अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो, या फिर इसको क्या पुकारते हो आप लोग, जो तोड़ियाँ कहते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। सो ये कि अब थोड़े देर बाद अभी बच्चे नीचे आए हुए हैं, बच्चों को मैं नमाज पढ़ाता हूँ। सो ये कि उनको नमाज पढ़ानी है, मैं माशाल्लाह जमात करवा लेता हूँ। सो ये कि अब उनको जमात करवा के देन फिर आएँगे और व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस टाइम हो गया है 6 बजे, और 6 बजे आपका भाई जो है अभी छत पे फिर दोबारा आ चुका है, और ये कि आप लोगों को यहाँ के गर्मी जो है इंतहा किस्म की, अब बारिश का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि बारिश हो जाए, बारिश कम से ज़िद चली हुई है। और ये कि जो बहारात हैं वो डैम हमारे करीब से बहारात बनते हैं, और बरसते दूर गांव में जाकर जहां पर हमारा गांव है, वहां के लोगों को हम जब कॉल करते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं तो वो कहते हैं इतनी बारिश हुई, कल रात को इतनी बारिश हुई, सुबह इतनी बारिश हुई, लेकिन हमारे यहाँ 0% बारिश होती है यार। और इतना पसीना, सीढ़ियाँ 5 सीढ़ियाँ 6 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ो तो पसीना आना शुरू हो जाता है, ये इतनी गर्मी है यार। अब क्या कर सकते हैं, यही 9-10 दिन है, जो ही सितंबर स्टार्ट होगा ठंड स्टार्ट हो जाएगी, और जितनी यहाँ गर्मी पड़ती है उतनी ही यहाँ इतनी शिद्दत की ठंड भी पड़ती है। यहाँ पर धुंध हो जाती है, फोग, और जगह जगह ठंड, ज़रा इंसान बाहर नहीं निकल सकता, इतनी ठंड हो जाती है। सो ये कि गर्मी जो है वो इस टाइम तो बहुत है, मैं कह रहा हूँ कि इक्वल का मौसम होना चाहिए, इक्वल सा, जिसमें गर्मी भी लगे थोड़ी 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 सी, और सर्दी भी थोड़ी थोड़ी सी लगे। आप लोग कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, और आप लोग मेरे व्लॉग्स नहीं देखते, सो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को देखा करें काफ़ी, जिसमें मैं शेयर करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको में कोई मिस्टेक थंबनेल में या कोई टाइटल में लग जाती है, तो वो आप मुझसे शेयर कर लिया करो, कमेंट सेक्शन में बताया करो। सो ये कि मिस्टेक इंसान से होती है, मेरा भी स्टार्ट है, यही 5-7 व्लॉग अपलोड किए हैं, वो भी डेली व्लॉगिंग करता हूँ मैं। सो ये कि आप लोगों की बस सपोर्ट की ज़रूरत है, और मेरा हवाब जो है वो अब पूरा हो रहा है कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बस ये कि मैं वायरल और फेमस होना चाहता हूँ। सो ये कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो ये कि अभी मैं किसी काम से बाज़ार जा रहा हूँ, बाज़ार मतलब कि इस वाले बाज़ार पैदल। सो ये गर्मी ही बहुत है, गर्मी ही मैं आपको ऊपर बताने आता हूँ रोज़। और यहाँ पर हमारे एक अंकल हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं इस गर्मी में भी, और वो देखें अभी भी वो कुछ काट रहे हैं।
तो ये कि लोग मेहनत करते हैं और अल्लाह उनकी मेहनत का सिला ज़रूर देता है, और मैं भी अब मेहनत कर रहा हूँ व्लॉगिंग में, जो मेरा शौक़ था, जो मेरे में टैलेंट था, उसको बता कर लोगों को। सो ये कि अल्लाह इंशाल्लाह 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 मुझे भी कामयाबी देगा। सो ये कि भी बाज़ार चलते हैं और बाज़ार से वापस आके व्लॉग को एंड करते हैं, और आपको थोड़ा सीन बताऊंगा कि मैं जो कितनी गर्मी लगी बाज़ार जाकर और बाज़ार से वापस आकर। सो ये कि एंड तक व्लॉग देखा करें मेरे सारे। सो ये कि अब चलते हैं बाज़ार और बाज़ार से आते हैं वापस। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ बाज़ार से वापस। इतना बरसीना आ गया कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार। यहाँ से मैंने लाया ये केला केक अप और ये स्वीजो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, ये दो चीज़ें लाई हैं। केक खाने का इतना दिल कर रहा था, मैंने कहा दो चीज़ें ही ले जाते हैं और खाते हैं घर बैठ के। सो इस व्लॉग को भी यहीं से एंड करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, और उस वेजिटेबल का नाम भी ज़रूर कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी नई चीज़ के साथ, नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।